ये है प्यारा सा गिफ्ट पैक। मदर्स डे आने वाला है तो ये मैंने बनाया है मम्मा के लिए, और इसमें हम देंगे उनको एक गिफ्ट। और अगर हैंडमेड चीज़ें दी जाएं तो उससे बढ़िया गिफ्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। वेलकम इन माय चैनल मीट द क्रिएटर। तो आज हम बनाएंगे एक गिफ्ट पैक, जिसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये पर्पल शीट जो है 11x2.5 inches की, और यहाँ पे मैंने हाफ इंच पर मार्किंग की है जिसको मैं फोल्ड कर रही हूँ कुछ ऐसे। पहले इसको मार्क कर लेते हैं ताकि इजीली फोल्ड हो जाए, और फिर थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेंगे। और अब हम इस पर लगाएंगे कट ट्रायंगल शेप में कुछ ऐसे, और इस पूरी बेल्ट को हम इसी तरह से काटते जाएंगे और बीच बीच में से ट्रायंगल्स निकालते जाएंगे। इस गिफ्ट पैक में एक बॉक्स और उसके ऊपर का कवर बन रहा है, तो ये लोअर पार्ट है। ये हमारी बेल्ट होने वाली है पूरी। ये देखिए कि हमारे पास इस तरह से आ गई है, थोड़ा सा कर्वी लुक देने के लिए इसको हमने प्रेस किया है। ये देखिए अब इसको राउंड शेप में हम पेस्ट करेंगे इसकी दोनों एजेस को कुछ ऐसे, और ये हमारा ऐसे राउंड शेप में रेडी हो गया है। अब मैंने फिर से सेम पेपर लिया है और इस पर इस शेप के बराबर ही मार्किंग की है, और इसी शेप के लिए हमने दो सर्कल्स काटे हैं जिससे हम इसको बंद करेंगे। इसके बॉटम को पहले एजेस पर लगाएंगे और इसको अंदर से फिट करेंगे, और ये वाला उसको कवर करते हुए ऊपर से जिससे थोड़ा सा इसमें थिकनेस आ जाए। तो ये हमारा लोअर पोर्शन हो गया है रेडी कुछ ऐसे। अब हम करेंगे अपर पोर्शन रेडी। उसके लिए भी मैंने पर्पल शीट ली है, थोड़ा सा लाइट पर्पल है उससे, और ये लिए है मैंने 11x3 inches की, और इस पर भी मार्किंग कर रहे हैं 1/2 inches की बट दोनों साइड कुछ ऐसे। और फिर से उसको फोल्ड कर रहे हैं हम इस बार दोनों एजेस फोल्ड हो गई हैं, और हमने एक साइड की एज जैसे पहले काटी थी ट्रायंगल शेप वाली वैसे ही काटेंगे। ये देखिए ये हो गई है, और सेकंड टाइप वाली हम कर रहे हैं। पहले एक छोटा सा उसमें से रेक्टेंगल निकाल देते हैं और फिर सेम टाइप से ही इसमें कट लगाएंगे, सिर्फ इसमें से हमें एजेस निकालनी नहीं है। इसमें छोटे छोटे हम कट लगा देते हैं पूरी बेल्ट पर। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट, और इसे भी फिर हम राउंड शेप में पेस्ट कर रहे हैं। और अब जो इसके ट्रायंगल वाले हिस्से थे उसको अंदर की साइड फोल्ड करना है, और जो स्क्वायर वाले थे उनको बाहर की साइड फोल्ड करना है। फिर से हम लेंगे सेम पेपर और इसके साइज के अकॉर्डिंग सर्कल्स कट करेंगे, ये दो सर्कल। फिर से वही बॉटम में पेस्ट करना है, एक हमको इनर साइड पे और एक आउटर साइड पे।
ये देखिए, और ये है इसका अपर पोर्शन जिसे बॉक्स कवर होगा। अब आती है इसको थोड़ी सी डेकोरेशन की बारी, जो कि हम बनाएंगे एक हैट। इसके लिए मैंने लिया है ये पर्पल सर्कल, जो कि है 7 इंच डायमीटर का। इसको जैसे फोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि पेपर थोड़ा थिक है, इस वजह से हम इसको इस तरीके से कट करेंगे। ये हैट का अपर पोर्शन, अब दूसरी साइड से भी। तो ये देखिए कट हो चुका है। और अब हम इसको इसके जो मार्किंग आई है उनको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं फोल्ड करके। ये देखिए हर पेटल को डार्क करना है, प्रेस करके थोड़ा उसमें लुक अच्छा आता है। ये देखिए रेडी हो गया। अब फिर से उसी की शेप के हम इस पर सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं और इसको अब हम बीच में से कट कर देंगे। और ये हमें अब फिट करना है अपर पोर्शन पे ताकि ये हैट बन जाए। उससे पहले हम गम लगाते हैं, जितने भी स्क्वायर पीसेस थे मैंने उस पर गम लगाया है। और अब इसको ऊपर से फिट कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा हैट का लुक। ये देखिए थोड़ा सा अच्छे से प्रेस कर देते हैं इसको, और ये है इसका बैक लुक। अब मैंने लिया है ये क्रेप पेपर जिसकी मैंने स्ट्राइप काटी है और उसके चारों तरफ मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ डेकोरेशन के लिए। कंप्लीट हो गया है। और अब इसी क्रेप पेपर से मैं बना रही हूँ बो। और इस मदर्स डे पे जब आप इसे बना के अपनी मदर को देंगे, हैंडमेड चीज़ों की अपनी ही वैल्यू होती है, तो बहुत खुश होंगी। और ये हमने वो रेडी कर लिया है, ये इसका लोअर पार्ट, और उसको अब हम हैट पे पेस्ट करेंगे। और अब मैं इस पर पेस्ट कर रही हूँ ये फ्लावर्स। रोज़ फ्लावर्स की वीडियो मैं पहले भी दे चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए, आपको ज़रूर मिलेंगी। अलग अलग टाइप के फ्लावर्स बनाए थे। और ये बनाई है मैंने लीव्स, इनको हम थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह से बना लेते हैं। थोड़ा सा वेवी लुक आ जाता है इससे, इसमें पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा पैक हो गया है रेडी, और आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। और इसको हम अब बंद कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, देखिए। और आप इसमें अपना मनपसंद गिफ्ट मम्मा के लिए रख सकते हैं और दे सकते हैं। मैंने यहाँ रखा है फ्लावर। तो कैसा लगा आज का क्राफ्ट? ये प्लीज़
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपने बनाया तो ज़रूर ही बताइएगा कि आपकी मामा को पसंद आया या नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।